इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं बेलगाम के मारूफ शख्सियत जनाब अलहाज फिरोज नूरुद्दीन सेठ साहब। कल ईद है और हम कुछ सवाल लेकर उनके पास पहुंचे हुए हैं, लिहाजा सबसे पहले जनाब फिरोज नूरुद्दीन सेठ साहब का हमारे चैनल पर खैर मकबूल इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम। ये जो मौजूदा हालात, जैसे कि लॉकडाउन के पेश नज़र जो हालात रोनुमा हुए हैं और जिस तरह से कोरोना वायरस की बढ़ती, यानी कि अब तो लॉकडाउन से पहले जितने कम थे, पहले लॉकडाउन के बाद भी ज़्यादा बढ़ते गए और आज फिर मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, तो इसको रोकने का क्या तरीका है और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया एक बार भाई कि आप ये सवाल पूछे। एक मौका है कि आपके जरिए जितनी थोड़ी बहुत मालूम मुझे है मैं लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। COVID-19 जो वायरस है, सबसे पहले दुनिया भर के हुकूमतों की ये फिक्र है कि इसका कोई इलाज आज तक हमारे पास है। बस दूसरी दूसरी बीमारियों के जो दवाइयां हैं और ख़ुद का जो कम उम्र वालों के सिस्टम में एक इम्यून सिस्टम होता है उसके ज़रिए इसको लड़ा जा रहा है हॉस्पिटलों में। अब दवाई या हाइड्रोक्लोरोक्विन है या रेमडेसिविर है, ऐसे दो चार नाम आते हैं बार बार, डॉक्टरों से बात करते वक्त पता चलता है कि ये जो हॉस्पिटलाइज होता है सीवियर कंडीशंस में या माइल्ड कंडीशंस में, इससे थोड़ी बहुत तबीयत 95% जो इम्यून सिस्टम है अंदर का, जो इंसान में खुद से डेवलप होता है बीमारियों से लड़ने से, उससे लोगों को फ़ायदा है और हो रहा है। और इम्यूनिटी जैसे उम्र बढ़ती जाती है 50, 55, 60, तो इम्यूनिटी लेवल कम होता है तो उनको खतरा ज़्यादा होता है। सरकारों की इसलिए फिक्र है क्योंकि हेल्थ सिस्टम जो है सरकार का, सारे देश में, कहीं बेलगाम की या बेंगलोर की ऐसे हम बात नहीं कर रहे, और डॉक्टर की तादाद, नर्सिस की तादाद, इतने पैमाने पे बीमार लोग का इलाज करना, उन्हें संभालना, उनके लिए रेस्पिरेटर्स या वेंटिलेटर्स, उनके लिए बेड्स, उनके लिए सेपरेट कमरे, क्योंकि सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स में ये काम चला है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो टच नहीं कर रहे हैं इसको, तो उसके लिए प्रेशर सरकारों पे बहुत ज़्यादा है। और पिछले सालों से भी हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट उतना नहीं रहा है जितना होना चाहिए एक इतने बड़े वतन में। खैर, वो बातें आगे चल के हम दुआ करें कि ठीक करने के, ठीक करें जैसे लोग अब चार्ज लेना शुरू करें। लॉकडाउन की वजह से जो कारोबार बंद हो गए, नौकरी पेशा लोगों की नौकरियां गई, जो डे टू डे रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले लोग थे उनका जरिया बंद हो गया, ये वजह से काफ़ी लोगों में परेशानियां हैं। बाहर मुल्क के, बाहर स्टेट्स के लोग जो अलग अलग स्टेट्स में आए थे अपनी रोज़ी के लिए, उन्हें या काम बंद होने से वापस जाना पड़ा, तो उसमें हलचल में ये करके ये बीमारियां मल्टीप्लाई होना शुरू हुई। कितना भी सरकार कोशिश करे, ये इसका जो होना है वो तो होना ही है। ऐसी सूरत में हम क्या करें ये हमें सोचना है। जैसे कि आप बैठे मेरे सामने आए, थोड़े मास्क पहन के आए थे, अभी निकाले हैं, पहले तो आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना मास्क पहन लें, पहन लीजिए। इसकी वजह यह है कि अपने तरफ से किसी और को तकलीफ ना हो। ये तकलीफ कैसे आती है?
जो मरीज है वो जब खांसता है, छींकता है, थूकता है, तो उसके वायरसेस कुछ देर तक हवा में और हवा के मॉइस्चर में सस्पेंड होते हैं। कुछ फ्लैट सरफेसेस पे, मतलब टेबल टॉप है, किचन का कट्टा है, ज़मीन है, दरवाज़ा है, दरवाज़ा का हैंडल है, उस पे जाके रह जाती है दो चार कलाक के लिए, और उस पे हमारा हाथ लग के फिर हम चेहरे पे जब लगाते हैं तो वो बीमारी तब हमारे को ट्रांसमिट होती है। इट इज़ प्योरली बाय थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, और डायरेक्ट करीब बैठ के बात करने से, बगैर मास्क के जैसा आप बैठे थे थोड़ी देर पहले, हाँ, उससे भी आपस में फैलने की एक बहुत बड़ी रिस्क होती है। इसीलिए कम्युनिटी गैदरिंग्स, मतलब सिनेमा हॉल हो, होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, यहाँ तक के इबादत घर, चाहे वो फिर मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, सिनेगॉग हो, गुरुद्वारा हो, ये सबको फिलहाल में बंद रखा गया है, क्योंकि लोग बहुत करीब करीब बैठते हैं। अब इसका इलाज यही है कि कहीं हम क्या छूने से हाथ को अगर लग गया रहेगा तो सैनिटाइजर से बढ़ करके सोप, क्योंकि ये वायरस पे एक टाइप का प्रोटीन होता है जो सिर्फ साबुन से साफ करने से निकल जाता है। साबुन है या तो फिर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जो बोलते हैं, उससे साफ करने से, खास करके उंगलियों के बीच में, नाखून के अंदर, हाथ में। इससे हम हमारे घर के जो बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं उनकी हिफाजत, जो बाहर जाने वाले हैं या वापस घर आते हैं, वो कर सकते हैं। तो हम यहाँ ये सब करके दूसरों की सर्विस में भी लगे हैं। हर इंसान, हर जो फैमिली मेंबर है, उसकी जिम्मेदारी है कि पहले अपने वो घर वालों को हिफाजत से रखिए, बच्चों को समझाए, अपने बीवियों को समझाए, बहनों को समझाए, माँ बाप को समझाए कि भाई ये तरीका जो वॉशिंग का है, और उसको कोई महंगा साबुन नहीं है, आप कपड़े धोने का साबुन भी यूज़ कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं कह रहा कि भाई कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे। सो इज द आज की तारीख में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज। बहुत शुक्रिया कि आपने तो तमाम तफसीलात पेश किए कि किस तरह से ये बीमारी फैलती है। कुछ हुकूमत की पॉलिसियों की तरफ भी चलते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि इबादतगाहें जहाँ बहुत ज़्यादा लग लग कर जो है बहुत करीब होते हैं लोग, लेकिन क्या बात है कि हुकूमत को सबसे पहले शराब खानों को ओपन करने की पड़ी थी, क्या बात है? वो अजीब बात है, मगर ऐसा है कि शराब से सरकार को रेवेन्यू काफ़ी मिलता है। और सबसे आसान तरीके से, सबसे पहले तो वो टैक्स करेंगे पेट्रोल डीजल पे, मगर लोगों का क्योंकि घूमना फिरना कम हो गया तो पेट्रोल डीजल से जो बहुत रेवेन्यू मिलता है उनको, वो भी काफ़ी कम हो गया है। शराब जिसको आदत है, जो इसको लत है उसकी, वो कोई भी कीमत पे जाके, आप हम देख रहे हैं भीड़ हो रही है, चल रहा है, फिर मरीज वाले मल्टीप्लाई हो जाए। हाँ, तो अफसोस की बात ये है कि जहाँ हम और आप या ज़्यादा करके सारे हिंदुस्तान के लोग बहुत ही स्पिरिचुअल लोग हैं, बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, वो अपने अपने तरीके से अपनी इबादत करते हैं। जैसे हम अल्लाह ताला से बढ़ के कुछ हमारे लिए नहीं है, और हर चीज़ की दवाई, हर चीज़ का हल हम उससे ही मांगते हैं। तो लोगों को, मुझे लगता है पर्सनली, कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ना सिर्फ मस्जिदों को, मंदिरों को भी, चर्चों को भी एक रियायत देने का वक्त है, क्योंकि ट्रेन में इतने लोग सफ़र कर रहे हैं, प्लेन्स में आएंगे, जहाज़ में आएंगे, बाज़ार में तो शराब की दुकानों के सामने भीड़ ऐसे लग रही है जैसे कभी हमने भीड़ देखी नहीं। तो ये हाँ, वहाँ जिम्मेदारी ले लेंगे लोग, जमात के लोग हैं वहाँ के जो जिम्मेदार है, वो नहीं चाहते कि किसी को मस्जिद आने से तकलीफ़ हो, दे विल मेंटेन इट, वो जिम्मेदारी लेंगे खुद से, और उन्हें नमाज की, दुआ की, फिर जो भी मंदिर है वहाँ पे उनके जो भजन कीर्तन है, प्रार्थना है, उन्हें उनकी इजाज़त दी जाए। तो इंसान एक अपने अपने बिलीफ्स के ऊपर एक सुकून की ज़िंदगी
हाँ, बाकी जितने मुश्किलात है वो उसके हवाले करके भाई हमें इससे निकालो करके हम मांगते आए हैं, हम मिलते भी आए हैं सदियों से, कोई नई बात नहीं है, और उससे बढ़कर कौन है। तो वो उससे दूर रख के मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है। और जहाँ तक इकोनॉमिक पॉलिसीज है, सिर्फ टैक्स बढ़ाना इकोनॉमिक्स नहीं है, पैसा ज़रूरत के वक्त, अलग अलग मुसीबतों के वक्त सरकारी खजाने से किस तरीके से इस्तेमाल किए जाए, वो एक ह्यूमन अप्रोच की बहुत ज़रूरत है। इंडियन रेलवे सिस्टम दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे सिस्टम है जो पिछले 100 साल में बनी है। इतनी बड़ी मुश्किल नहीं थी कि भाई वो गरीब जो जाना चाहता था अपने वतन को वापस, उसको पहले हफ्ते में ही भेज दिया जाए, कोई डिफिकल्टी नहीं थी। कोई इतना बड़ा तमाशा करके, इतने लोग मर के, कोई पैदल जा रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, एक साथ में अगर हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा देते उस पर, तो अब तक पहुँच भी गए होते और इसके बारे में हाहाकार भी नहीं होता। लोग अपने अपने गाँव जा कर के वापस कुछ ना कुछ कारोबार में, सरकार का रेवेन्यू तो एवर जनरेटिंग रेवेन्यू है, हर पल पे कोई ना कोई टैक्स बढ़ता ही रहता है। तो आई डोंट थिंक सच ए बिग फर्स्ट वॉज नेसेसरी। दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ ना कुछ करते हैं और हर चीज़ को इवेंट में तब्दील करने में बड़े माहिर हैं। ये जो उन्होंने लॉकडाउन का फैसला लिया है, वैसे तो दुनिया भर में लॉकडाउन रहा, लेकिन क्या बात है कि सिर्फ भारत का ही मजदूर सड़कों पर घूमता रहा, उसकी क्या वजह हो सकती है? देखो, भारत एक अलग वतनों से अलग वतन है। भारत देश के कई स्टेट्स में रोजगार नहीं है, कोई स्टेट्स प्रोग्रेसिव है, तो जैसे बिहार और यूपी के लोग कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु यहाँ पे आके काम पे लग गए थे, काफ़ी वेस्ट बंगाल के लोग भी काम करते थे यहाँ, तो ये और मगर वो बहुत उनका अनप्लान्ड रहना हुआ करता था। कहीं भी खुली जगह पे अपने टेंट लगा करके वो बेचारे वहीं बसर करते थे, वहीं काम करते थे, मगर बहुत मेहनती हैं वो लोग, उसलिए वो यहाँ के से लोगों के से ज़्यादा वो प्रेफर किए गए, क्योंकि उनका वर्क आउटपुट ज़्यादा था, कमाई भी अच्छी थी उनकी बेचारों की। मगर ऐसे हालात हो गए जहाँ लॉकडाउन अनाउंस तो हुआ मगर गड़बड़ में होना था, हो गया, उसके बाद में स्टेप्स भी जो लेने थे वो थोड़ा अगर जल्दी होते, थोड़ा जल्दी होते, थोड़ा कैलकुलेटेड होते, तो हो सकता है कि थोड़ा अलग टाइप का पिक्चर होता। इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। अच्छा, प्रधानमंत्री की विदेश नीति भी नाकाम रही, अब नेपाल जैसा छोटा मुल्क भी है भारत को आंखें दिखा रहा है, क्या वजह है? देखो, फॉरेन अफेयर्स पे हम बात नहीं करेंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, विदेश मंत्री हैं, उनकी एक स्पेशल कैबिनेट कमेटी भी होगी इसके बारे में, और जो भी सही कदम है वो देश के हित में ज़रूर लेंगे। आई डोंट थिंक इतना उसके बारे में हम आम लेवल पे फॉरेन पॉलिसी की बात करें वो गलत होगा। अच्छा, जो फिलहाल मोदी जी एक तरफा, यानी कि मोदी जी अब तो मोदी सरकार ही कह सकते हैं क्योंकि दो लोग ही तो हुकूमत चला रहे हैं, एक तो अमित शाह और मोदी, क्या अपोजिशन नहीं है? क्यों सख्ती से उसको रोका नहीं जाता अगर गलत फैसले लिए जाते हैं तो? क्या वन नेशन वन पार्टी की तरफ जा रहा देश? हिंदुस्तान की अगर आप हिस्ट्री देखो 1947 के बाद की, तो वन पार्टी रूल कोई नई बात नहीं है। अब लोगों पे छा गए हैं मोदी जी कोई कारण से, कोई वादों के वजह से, अगर वो वादे पूरे कर सकते हैं तो छाए रहेंगे, अगर वादे पूरे नहीं करते, मुझे तो नहीं लगता कि पूरे कर पाएंगे क्योंकि वादे ज़्यादा हो गए हैं। हाँ, लोग का सब्र और इम्तिहान बहुत बड़ा होता है, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। मगर आज के हालात में हम यही चाहेंगे कि जो भी हुकूमत में है वो लोगों के हित में एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच से काम करे, लोगों को कलर पे, जात पे, भाषा पे, उपजाति पे न बांटें, सबको भारतीय है
ऐसे कबूल करके आगे ले चले वतन को, क्योंकि वतन को आज ऐसे फसलों की ज़रूरत है जहां हम आज जो हालात हम देख रहे हैं बड़े कमज़ोर होते जा रहे हैं। और अपोजिशन से भी हम यही उम्मीद करेंगे कि हम कंस्ट्रक्टिव हो, जहाँ गलती होती है हम खुल के कहें। जैसे कि अभी जो पैकेज आया है 20 लाख का पैकेज, 20 लाख का पैकेज, अब इसमें अनुदान दान कितना है और कर्जा कितना है और कर्जा माफी कितना है, ये डिटेल्ड स्टडी अगर हम देखेंगे तो इसमें डायरेक्ट हेल्प बहुत कम है जो लोग उम्मीद करते हैं। इनडायरेक्टली बैंक को अगर गारंटी कोई देता है और बैंक से कर्जे की उम्मीद कोई मांगने वाला रखता है तो वो प्रोसेस 6 महीने से पहले तो ख़त्म होगा नहीं। तो लेट अस नॉट गेट इन टू ऑल दोज नेटिविटी। जो फैसले ले रहे हैं उनके ऊपर है कि ये सोचें कि क्या हमारा अप्रोच ह्यूमन है, क्या हमारा अप्रोच इंडियन है, क्या हमारा अप्रोच कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है, क्या हमारा जो फैसला हर फैसला है वो आज की तारीख में आज के मौजूदा हालात में सही है क्या। अब रही बात ऑपोजिशन की, आप बात करते हो ऑपोजिशन पार्टीज के अंदर भी ऑपोजिशंस है अलग अलग, तो सब 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 देखो तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द कंट्री राइट नाउ। किसी पे एतबार करना, भरोसा करना, हाँ यही है, मगर देश चलता है लोगों से, नेताओं से नहीं चलता है। जब लोग कमाते हैं, लोग टैक्स भरते हैं, तब जाके सरकार खर्च कर सकती है और लोगों का पैसा सही जगह लोगों की ज़रूरत के वक्त लगे, यही सरकार का काम है। दैट इज़ दी, इस पर कोई सियासत, बार बार सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना वायरस सियासत करने जैसा कोई मामला नहीं है, इसको हम साइंटिफिकली, मेडिकली और ह्यूमनली अगर अप्रोच करते हैं तब जाके इसमें से हम आसानी से और हिफाजत से बाहर पड़ सकते हैं। एक आखिरी सवाल, क्या गांधीवादी विचारधारा पे गोडसेवादी विचारधारा हावी होती जा रही है? अरे ऐसी कुछ बात नहीं है, देखो अब तो पार्लियामेंट में भी गोडसे जिंदाबाद के नारे लगे। अब वो क्या है कि उनको लगता है कि उनसे उनको फायदा हो रहा है। जो बहुत ही बैलेंस्ड हिंदुस्तानी है, इंडियन है, वो ये सब्जेक्ट्स को केयर करता नहीं है। आज के नौजवानों को 90% को तो मालूम नहीं है कि गोडसे कौन था, क्योंकि हिस्ट्री का सब्जेक्ट उतना कमज़ोर हो गया है, हिस्ट्री पढ़ाना और पढ़ना दोनों ही इतना कमज़ोर हो गया है। गांधीवादीज़म ने, हम यही कहेंगे कि इंडियन जो वैल्यूज़ है, जो भारतीय वैल्यूज़ है, ये सब में ज़रूरी है। और जो भी भारतीय वैल्यू वाला है तो यही कहेगा कि नथुराम गोडसे जी ने महात्मा गांधी जी का खून किया था और महात्मा गांधी जी शहीद हुए और इन्हें सजा मिलनी थी और इन्हें हिस्टोरिकली टिल द एंड ऑफ टाइम ये बदनामी में ही रहे, यही फैसला होगा। और इससे ज़्यादा क्या फैसला हो सकता है जी? कल ईद उल फित्र है, क्या पैगाम देना चाहिए? मैं ईद उल फित्र के मौके पर हर मेरे भाई बहन और बच्चों से और बुजुर्गों से यही कहूँगा कि आपको ईद उल फित्र बहुत बहुत मुबारक। ऐसे हालात में कुछ फैसले लिए गए हैं जिन्हें मानना भी ज़रूरी है, जिन्हें मानना बहुत ज़रूरी है, मगर एक सबक इसमें से अगर हम सीखे हैं और नहीं भूलेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा कि हमें अब फजूल खर्ची सिर्फ दौलत की नहीं होती, फजूल खर्च सिर्फ बातों की भी बहुत होती है। फजूल बातें, फजूल बिहेवियर, दिखावा, ये सब हमें बंद करना चाहिए। मैं यही कहूँगा जो साहिब हैसियत है वो अपने दौलत की गंदी नुमाइश ना करें, गरीब पे खर्चे का बोझा न डालें, उनके बच्चों को आपको देख करके वैसे बनने की कोशिश जो करते हैं, नादान होते हैं बच्चे, वैसी हरकतें वो ना करें। और सबसे यही करूँगा कि आगे
आने वाले दिन अच्छे ही होंगे, ज़्यादा फिक्र मत कीजिए, मगर ये याद रखिए कि ऐसा वक्त आया था, और भी आ सकता है। हम कल के लिए आज सादगी में जी करके अपने पास कुछ बचा के अपनों के लिए रखें, और लास्ट में यही कहेंगे हम आपसे फिर एक बार कि जो इंसान गैर ज़रूरी चीज़ों पे खर्च करता है उसके पास ज़रूरत के वक्त पे दौलत नहीं होती। तो गैर ज़रूरी चीज़ों से परहेज कीजिए, उससे रोज़ा कर रखिए, और दुआ कीजिए, क्योंकि दुआ के बगैर कोई चीज़ हल होना मुश्किल है। दुआ के साथ साथ कोशिश भी ज़रूरी है। जो भी आपको डायरेक्शन आते हैं टीवी पे आप देखते हो, सफाई, साफ़ सफाई, हिफाजत के बारे में, वो फॉलो कीजिए। फिर से एक बार बड़े दिल से, नरमी से और प्यार से आप सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। ये थे हर दिल अजीज़ का एक जनाब फिरोज़ नूरुद्दीन सेठ साहब, जिन्होंने बेबाक अंदाज में तमाम सवालों के जवाब दिए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।